हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू डिजिटली सॉल्व। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक फेसबुक ऐड में अगर आपको लीड जनरेशन कैंपेन बनानी है तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने एड्स मैनेजर पे। यहाँ पे जो भी मैंने एड्स बना रखे हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट पड़े हैं। और हम सबसे पहले जाएंगे क्रिएट प्लस पे, यानी क्रिएट कैंपेन हम करेंगे। और हम कंसिडरेशन के अंडर देखेंगे तो लीड जनरेशन का एक हमें टैब मिलेगा, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम चाहें तो अपने कैंपेन्स वगैरह को नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ लीड जेन डेमो कैंपेन और हम चलते हैं कंटिन्यू पे। तो गाइस, यहाँ पे हम आ गए अपनी कैंपेन लेवल की सेटिंग्स पे। एक बार इनको देख लेते हैं। स्पेशल ऐड कैटेगरीज हमारी नहीं है, कोई बजट टाइप ऑप्शन है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने लीड जनरेशन सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आप मोर ऑप्शंस पे देखेंगे तो कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट है, अगर आप चाहें तो कुछ अमाउंट एंटर कर सकते हैं, यानी कि इससे ज़्यादा फेसबुक स्पेंड नहीं करेगा इस कैंपेन पे। फिर हमें ए बी टेस्टिंग अभी नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास एक ही ऐड है, तो हमें ज़्यादा क्रिएटिव अभी चेंज नहीं करके टेस्ट करना है। तो यहाँ पे भी हमें कोई सेटिंग नहीं देखनी होगी। और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन आप तब ऑन करके देख सकते हैं जब आपके पास मल्टीपल एड्स हों, लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी एक ही ऐड होगा तो फिर मेरे को इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम आ गए हैं ऐड सेट लेवल पे। इसको ऐड सेट को हम रीनेम कर देते हैं ऐड सेट फॉर डेमो कैंपेन। अब देखिए, यहाँ पे लीड मेथड पूछ रहा है हमसे, यानी कि दो मेथड है यहाँ पे, इंस्टेंट फॉर्म्स और कॉल्स। कॉल्स में क्या होगा, वो सीधा कॉल का ऑप्शन दे देगा और मोबाइल पे अगर आपका यूज़र ऐड देख रहा है तो वो आपको कॉल कर लेगा डायरेक्टली। और दूसरा ऑप्शन हो जाता है इंस्टेंट फॉर्म का, यानी कि हम उससे एक फॉर्म फिलअप करने को कह देंगे छोटा सा, जिसमें हमें उसका नाम मिल जाएगा, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन जो हम चाहते हैं तो वो कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि इन्फॉर्मेशन हमें क्या सेलेक्ट करनी है और एक तरह से हमें उसकी बेसिकली लीड चाहिए तो हमें क्या क्या डिटेल्स उसकी चाहिए हो सकती हैं। मोस्टली लोग नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस कलेक्ट करते हैं। तो चलिए, हम इसको इंस्टेंट फॉर्म्स रहने देते हैं। अब हम नीचे जाके देखते हैं तो पेज सेलेक्ट करने को कह रहा है। पेज हमने सेलेक्ट कर लिया है अपना। अब यहाँ पे व्यू टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने को कह रहा है। एक बार व्यू टर्म्स करके हम इसको एग्री कर देते हैं। अब यहाँ पे डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन है, हम इसको ऑन कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, फेसबुक खुद ही अपने आप से थोड़ा ऑप्टिमाइज कर देता है, थोड़े वेरिएशंस ले आता है हमारे एड्स में, ताकि जो कि उसको लगता है यूज़र के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा वो खुद ही उसको डिज़ाइन कर देता है। अब यहाँ पे हमें बजट पूछने को कह रहा है, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट का ऑप्शन है। डेली बजट में यहाँ पे 100 रुपीज़ कर देता हूँ और फिर हम स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट डेट आज से ही रहने देते हैं, एंड डेट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आ जाते हैं हम ऑडियंस सेलेक्शन पे। ऑडियंस मैंने पहले से ही क्रिएट करके रख रही, तो मैं यूज्ड सेव्ड ऑडियंस पे जाऊँगा और मैं अपनी एक ऑडियंस सेलेक्ट कर लूँगा। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को ये अभी ये सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक और टॉपिक आ जाता है इंपॉर्टेंट वाला, वो है प्लेसमेंट्स का। हम एक बार मैनुअल प्लेसमेंट्स करके देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमें दे रहा है। तो देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, तीन ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये एड्स हमारे शो हो सकते हैं। अब गाइस, हम देखेंगे कहाँ कहाँ हमें रिस्पांस अच्छा मिल सकता है, तो हम उसको वहाँ पे एनेबल कर देंगे और जो रिस्पांस हमें लगता है अच्छा नहीं मिलेगा तो हम वहाँ से उसको हटा देंगे। तो फेसबुक न्यूज़ फीड, इंस्टाग्राम फीड सही रह रहा है मेरे ख्याल से। फेसबुक मार्केट प्लेस से मैं हटा सकता हूँ क्योंकि मेरा कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, मैं सर्विस बेचना चाह रहा हूँ बेसिकली। फेसबुक वीडियो फीड्स में रहने दे सकता हूँ, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में रहने दे सकता हूँ, स्टोरीज ज़रूर रहने देनी चाहिए गाइस, स्टोरी से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ जाता है। इन स्ट्रीम वीडियोस में हटा सकता हूँ, मेरे को नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा मेरे को। और यहाँ पे इन आर्टिकल का ऑप्शन है, फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स का ऑप्शन है, इधर से भी मैं हटा देता हूँ। और ऐप्स एंड साइट्स जो फेसबुक की थर्ड पार्टी हो जाती हैं, इनसे भी मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे एक और मोर ऑप्शंस करके डिवाइसेस का ऑप्शन है, हम एडिट करके देखते हैं कि मोबाइल डिवाइसेस है या फिर एंड्रॉयड डिवाइसेस है या आईओएस डिवाइसेस है। तो हम ऑल मोबाइल डिवाइसेस रहने देते हैं। और गाइस, इसको कभी टिक मत करना, आप ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, यानी कि जब आपका कोई फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड होगा तभी दिखाएगा ये ऐड, वरना नहीं दिखाएगा। ये बिल्कुल भी काम का नहीं है क्योंकि मोबाइल डेटा से काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, इसलिए इसको टिक मत करना। अब हम नीचे सबके देखते हैं तो ब्रांड सेफ्टी के अंडर हमें कोई भी ऑप्शन ये सेलेक्ट करने को नहीं दे रहा है क्योंकि हमारी जो कैंपेन लेवल की सेटिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंगली ये चेंज होता रहता है। और ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी में भी हमारे पास ये ऑलरेडी लीड्स के लिए ऑप्टिमाइज है हमारा ऐड, और कॉस्ट कंट्रोल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मोर ऑप्शंस पे करके मैं देखता हूँ तो फिर भी मुझे इंप्रेशंस पे चार्ज हो रहा है जो कि बिल्कुल ठीक लगता है मेरे को, और डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड है जो कि बिल्कुल ठीक है। अब राइट साइड में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो एक दिक्कत मुझे ज़रूर दिख रही है। क्या है कि इधर लिखा है, वार्निंग आ रही है, कह सकते हैं आप एड सेट में गेट जीरो लीड्स, और इधर देख सकते हैं हम जीरो लीड्स लिखी हैं इन्होंने, यानी कि एस्टिमेटेड लीड्स जीरो हैं। तो अब ऐसा क्यों है, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, बेस्ड ऑन हाउ यू सेट अप योर एड सेट यू माइट नॉट गेट एनी लीड्स, टू फिक्स दिस कंसिडर मेकिंग चेंजेस टू योर एड बिफोर पब्लिशिंग।
तो इसका क्या मतलब है कि मेरी एड सेट की सेटिंग्स कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है कि मेरे को एक भी लीड ना मिले। तो गाइस बिल्कुल इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर फेसबुक आपको ये कह रहा है कि हो सकता है लीड्स ना मिले तो चांसेस हैं कि आपको लीड्स नहीं मिलेंगी, तो इसलिए आपको अपनी सेटिंग्स फिर चेंज करनी है। मोस्ट प्रॉबेबली क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो कल्प्रिट होता है वो होता है आपका डेली बजट या फिर कैंपेन बजट। तो एक बार मैं इसको बढ़ा के देख लेता हूँ, 100 रुपीज़ पर डे करा था मैंने, मैं इसको 200 रुपीज़ करके देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से ये हट गया है और अब लीड्स मुझे लेस देन 10 दिखा रहे हैं, यानी कि डेली लीड्स मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिल सकती हैं। मिनिमम लीड्स तो गाइस कितनी भी हो सकते हैं, 0 1 कितनी भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इन्होंने एस्टिमेट दे दिया है 10 लीड्स का। तो ये मेरे ख्याल से सेटिंग्स ठीक हैं अभी। अब हम सेव करके इसको नेक्स्ट पे चलते हैं। तो गाइस अब हम आ गए ऐड लेवल पे, ऐड नेम मैंने दे दिया ऐड फॉर डेमो लीड फॉर्म्स। तो अब चलते हैं नीचे सेटिंग्स एक एक करके देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहले तो ये फेसबुक पेज को कनेक्ट करने को बोल रहा है, मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, और फिर इंस्टाग्राम का भी आप कनेक्ट करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हैं। अब ऐड सेटअप पे फॉर्मेट पूछ रहा है, यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो का ही ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। कभी कभी ये कैरोसेल इमेज यानी मल्टीपल इमेजेस का भी दिखा देता है, पता नहीं अभी दिखा नहीं रहा है ये। ऐड क्रिएटिव में यहाँ पे सेलेक्ट इमेज करने को पूछ रहा है, एडिट ऑलरेडी इसने एक ले रखी है, मैं एडिट कर सकता हूँ इसको, लेकिन क्योंकि डेमो कैंपेन है इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। वरना गाइस मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप कैनवा पे कोई पोस्ट अच्छे से डिज़ाइन कर लें जो मोबाइल पे डिस्प्ले पे अच्छा से दिखे और उस पर कोई आपका जो ऑफर है वो क्लियरली हाईलाइटेड हो। अब आ गए हम प्राइमरी टेक्स्ट पे, एक बार मैं सारे फिल कर देता हूँ फिर हम आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ बेसिकली ऐसे लिख दिया है प्राइमरी टेक्स्ट में, फ्री कोर्स फॉर एसईओ, बेसिक एसईओ कोर्स, ऐड अनदर ऑप्शन का मिल रहा है आपको फीचर, तो आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए, 2 of 5 है, तो यानी कि आपको हमने क्योंकि डायनामिक सेलेक्ट कर रखा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐड करें तो अच्छा रहेगा। फेसबुक अपने हिसाब से वो ऑप्टिमाइज़ करता रहेगा जो उसको लगेगा कि यूज़र को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। इसी तरह से हेडलाइन में भी आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं। आप टाइम लेके आराम से इसको लिखिए, हर टेक्स्ट को थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हाईलाइट करिए ताकि आपके यूज़र्स को अट्रैक्ट करे वो। फिर आ जाते हैं हम कॉल टू एक्शन पे, यहाँ पे साइन अप, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, इन सब का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दे देता हूँ। सपोज़ कि मैं कोई फ्री ब्रोशर या फ्री कोर्स कोई ऑफर कर रहा हूँ तो फिर मैं डाउनलोड का ऐसे ऑप्शन दे सकता हूँ।